ये धमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों का अमरजीत धमान वालों निघा निघा स्वागत है जी। सो करारी शहर के निरंकारी भवन, सो अज इत्थे असी मौजूद हैं जिथे कि परमात्मा दे नाल जोड़न दियां गल्लां कीतियां जा रही ने। इत्थे सत्संग कीता जा रहा है, सो सत्संग करन दे लई महापुरश आए ने, आपां उन्हां नाल भी गलबात करांगे। तो जो इत्थे संगीतमई भजन भी गुणगान किए जा रहे ने वह भी तुहानू दिखाने हैं, अते पूरी संगत भी दिखाने हैं, पूरी जानकारी दिखाने हैं। तो आओ ये जानकारी देखने दे लई ये कुराली शहर दे विच जो निरंकारी सत्संग भवन है, चलते हैं आपां हुण इस सत्संग भवन दे अंदर। सच दे नाल नाता जोड़ता और सत्संग जो आत्मा जन्म जन्म तो प्यासी सी, इसका उदाहर सत्संग सतगुरु दे चरणा च आके हुंदा है। जिवें सत्संग आपां देखदे हां Thank you.
सर अज तुसी कुराली शहर दे विच आए हो, सो काफ़ी दूर तो चल के भी आए हो, अज इत्थे तुसी जो ज्ञान दिता मतलब कि संगत नू निरंकारी सत्संग भवन दे विच, सो तुसी इस बारे थोड़ी जी जानकारी भी दो। एक्चुअली हाँ सही बात है, एक्चुअली मैं मसूरी से आया हूँ और आज यहाँ पर मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे कुराली सत्संग भवन में इस सेवा में आने का शुभ अवसर जो है दास को प्राप्त हुआ। और यहाँ पर क्योंकि वैसे तो निरंकारी मिशन में पैन इंडिया या एब्रॉड में भी और जहाँ पर संडे की छुट्टी होती है जिन जिन कंट्रीज़ में भी, तो जितनी भी ब्रांचेज है जहाँ जहाँ भी भवन है तो रेगुलर ये सत्संग इस रूप में होता है। आज दास को यहाँ आने का मौका मिला और सभी संगत से आशीर्वाद भी लिया। और जो मिशन जिसका मैंने जिक्र किया कि संत निरंकारी मिशन, तो मिशन कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विचारधारा है। सदगुरु का एक ही कहना है क्योंकि वर्तमान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तो एक ही जो मैसेज है वो मैसेज एक ही है कि जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं अर्चना करते हैं मुबारक है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन ईश्वर जानने योग्य है, परमात्मा को जान करके इसकी वंदगी करनी है। और जब हम इसको जान लेते हैं तो फिर हमारी जो भक्ति का जो सफ़र है वो आसान हो जाता है क्योंकि फिर जान करके भक्ति हो रही है। और जब हम इस ईश्वर को इस निरंकार को इस प्रभु परमात्मा को जब जान लेते हैं तो जो अज्ञानता के कारण जो अनेकों जो भ्रम जो मन में उत्पन्न हुए हैं नाना प्रकार के, उन भ्रमों के कारण फिर बैरियर्स बने हुए हैं, तो उनसे मुक्ति हो जाती है और एक फिर सहज जीवन, सरल जीवन, परोपकारी जीवन, दया के भाव से युक्त जीवन, प्रेम के भाव से युक्त जीवन, ये फिर बन जाता है जब हम इस निरंकार के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं सद्गुरु की कृपा से। तो यही संदेश है मानव मात्र को कि जिस ईश्वर से हम बिछड़े हुए हैं या ये कहें कि जो ईश्वर जिसकी हम बंदगी करते हैं प्रार्थना करते हैं, तो इस ईश्वर को पहले जान लेना है, फिर जान करके इसकी बंदगी करनी है, इसकी भक्ति करनी है। जीवन तो जैसे चलना है, कोई किसी कारोबार काम काज के लिए कोई मना ही नहीं है, वो तो ये कर्म भूमि है, युगों युगों से ये बात कही गई है कि इस संसार में आए हैं तो कर्म भूमि है, लेकिन आधार
इस ईश्वर को बना के रखना है, तो ये संदेश है जी। जी, सो कुराली में आए हो, पहली बार आए हो कुराली में? हाँ जी, कुराली में। कैसा लगा है, यहाँ की संगत का प्यार कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा जी। और वैसे तो जो ब्रह्मज्ञानी संत होता है, क्योंकि उसके जीवन में तो फिर प्यार ही बसता है, लेकिन आज यहाँ पर भी कुराली में आकर के भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत, क्योंकि एक मर्यादा है सत्संग की। सत्संग में एक अनुशासन है, सत्संग में एक दूसरे को पहल देने की, जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठना है, यही सतगुरु की सिखलाई है। और यहीं जब हम इस तरह से हम सीखते हैं, तो फिर जहाँ जहाँ हम विचरण करते हैं वहाँ वहाँ फिर यही गुण हम खुद भी फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर औरों के लिए भी वो उदाहरण का कारण बनते हैं जी। तो कुराली में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा जी। जी धन्यवाद, थैंक यू जी, धन्यवाद जी। हाँ जी सर, आज जो सत्संग होया निरंकारी सत्संग भवन दे विच, बहुत वड्डा है, एक समागम दे तौर ते जो होया, की तुसीं इस बारे जानकारी दोगे, तो परमात्मा बारे भी की कहोगे, तो अज इस जो सत्संग दा की नाम दोगे? जो आज सत्संग यहाँ पे कुराली सत्संग भवन पे हुआ है, ये हर रविवार को इसी तरह होता है। और जो जिन संत महात्माओं ने, जिन सज्जनों ने प्रभु की प्राप्ति की हुई है, ज्ञान लिया हुआ है, जिनको ये समझ आ गई है, वो इसका अभ्यास करने के लिए सत्संग करते हैं, ताकि जो निरंकार के साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें। क्योंकि दुनिया में भ्रम भ्रांति बहुत ज़्यादा है, और सबसे पहली बात तो हर इंसान को और मेरे समेत सबको ये भ्रम हो जाता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही काम करने वाला हूँ, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और जिसके कारण से, इस भ्रम के कारण से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ रहे हैं। लेकिन सतगुरु के ज्ञान से ये समझ में आ जाती है कि मैं एक सिर्फ परमात्मा का भेजा हुआ इंसान हूँ, और मेरे को यहाँ कुछ जिम्मेवारियाँ मिली हैं, वो मेरे को निभानी है। सबसे पहली जिम्मेवारी है, जो मेरा कर्ता पुरख है, मालिक है, जिसने सारे संसार की रचना की है, इसको जान लेना। इसको जानने के बाद फिर इससे जुड़े रहना। जुड़े रहने के लिए ये सत्संग ही सबसे पहली ज़रूरत है, और उसके साथ सेवा भी करते हैं। और हमें सतगुरु ने एक सिमरन भी दिया है, और सिमरन ये है कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तो इसके द्वारा हम हमेशा इस निरंकार प्रभु का अवलोकन करते हैं, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, जो हर जरे जरे में है, जो हर पत्ते पत्ते में व्यापक है। इस निरंकार को हम याद करते हुए फिर कह रहे हैं कि जो मैं हूँ, मैं कुछ बड़े उम्र का हो सकता हूँ, छोटी उम्र का हो सकता हूँ, स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकता हूँ, लेकिन मैं दरअसल में एक आत्मा रूप हूँ। ये आत्मा रूप अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर रही है कि मैं तेरी शरण हूँ, चाहे मेरा यहाँ कोई भी रूप है, वो रूप मायने नहीं रखता, मेरा समर्पण मायने रखता है। और उसके साथ साथ आपने देखा, निरंकारी मिशन के सेवादार समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, और अभी हमारा प्रोजेक्ट अमृत आ रहा है, जो 25 जनवरी को किया जाएगा, 25 फरवरी को, तो उसमें भी ये हमारा यही होगा कि जितने भी पानी के स्रोत हैं, वो पानी वहाँ गंदा ना हो, उनमें गंदगी ना फैले। इसके साथ वृक्षारोपण के लिए भी हमारे समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, और सफाई के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, ताकि ये प्रदूषण जहाँ बाहर हानिकारक है, वो हमारे मन का प्रदूषण भी हानिकारक है। मनों में हमारे बुराई आती है, किसी के प्रति वैर विरोध आता है, दुश्मनी आती है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। सब मानव मात्र प्यार करने योग्य है। प्यार करने के लिए इतनी सुंदर देही ईश्वर ने हमें दी है। ये सबसे परस्पर मिलन, प्यार, सत्कार एक दूसरे का, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी और तफरके के, ये जो हमारे अंदर ये मानव मात्र के लिए प्यार बन जाए, यही इस मिशन का प्रयास है जी। संगीतमयी भजन भी थे, मतलब के गुणगान किए गए। आपने देखा होगा कि संगीत के माध्यम से भी वही यही संदेश दिया गया, चाहे वो गीत थे, चाहे वो कवाली थी, चाहे वो गजल थी, उसमें भी यही संदेश था कि हे मानो,
तू परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया है, ये कहीं तेरा जन्म अकारथ ना चला जाए, तो यही शब्द गीतों के भी थे। और आप देखते हैं कि संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि हम पांच तत्वों से बने हैं, धरती, अग्नि, पानी, वायु और आकाश। आकाश होते हैं आवाज़, आवाज़ भी ये शरीर का फूड है। अगर इसको हम संगीतमय बनाकर फूड को दे देते हैं तो शरीर और खिल उठता है, और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और चेहरे पे रंगत आ जाती है। तो संगीत भी एक बहुत बड़ा साधन है भक्ति करने का, तो इसलिए आज कुछ संगीत का सहारा भी लिया गया। धन्यवाद। थैंक यू।